सभी को नमस्कार। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप कहीं पर भी पराली न जलाएं। बाराबंकी जनपद में मुख्य विकास अधिकारी मेघा रूपम की इन बातों को सुन करके किसानों में तो जरूर हड़कंप मच जाएगा, और उन किसानों में खास तौर से जो बेचारे चुपके से पराली जला देते थे। सुनिए सुनिए आगे क्या कह रही है मुख्य विकास अधिकारी मेघा रूपम। क्योंकि NGT एवं सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि पराली जलाने की घटना में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। खेद की बात है कि बाराबंकी में कल एक घटना हुई, सैटेलाइट इमेजिंग से इसकी चेकिंग करी जाती है। तो सुना आपने कि मुख्य विकास अधिकारी मेघा रूपम जी ने क्या कहा, आगे सुनिए। लेकिन गांव के किसानों को क्या पता था कि सैटेलाइट से उनकी कोई फोटो खींच लेगा। सुनिए आगे क्या कह रही है। एक घटना हुई, कल एक FIR दर्ज हुई है। आज बाराबंकी में 3 घटनाएं हुई पराली जलाने की, तीनों पे आज FIR करी गई है। मिला के 4 FIR हो चुकी हैं। पराली जलाने पर जुर्माना भी है, 5,000 से लेके 15,000 तक जुर्माना किया जा सकता है। और इसलिए तो सुना आपने कि बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी मेघा रूपम जी ने क्या कहा। अरे बाराबंकी में 3 ऐसी घटनाएं हो गई और आप लोग पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। भाई साहब FIR हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा और ना जाने क्या क्या हो जाएगा। पर सावधान हो जाइए, आप कहीं पराली जला रहे हैं तो ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि सैटेलाइट से फोटो खींच ली जाएगी, पहले ही बता दे रहे हैं। सुनिए आगे क्या कह रही है। आप सभी से अनुरोध है कि आगे भी अगर पराली जलाई जाएगी तो विवश होकर हम लोग को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको ध्यान में रखें। चाहे तो आप लोग जो सरकार 80% अनुदान पे यंत्र देता है उससे आप पराली काटें, चाहे तो पराली को वापस ज़मीन में मिलाएं, या फिर हमारे गौ आश्रय स्थलों में दान करें, मगर किसी भी हालत में आप पराली को जलाएं नहीं। साथ में हमारे 7 ग्राम सभाएं हैं एवं फार्म मशीनरी बैंक है, जहाँ पे यंत्र जो है, जो पराली काटने वाले यंत्र हैं, ये आप किराए पे ले सकते हैं, तो उनका उपयोग करें और किसी भी हालत में पराली न जलाएं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी मेघा रूपम जी की बातों को आपने सुना और सुनकर कुछ समझे तो आज से गांठ बांध लीजिए कि भाई साहब पराली नहीं जलानी, बड़ा 3 FIR तो हो ही चुके हैं, आगे और भी कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, तो कृपया सावधान हो जाइए। वैसे भी आसमान में सैटेलाइट है, वहां से फोटो खींच ली जाएगी, उसके बाद भाई साहब FIR दर्ज हो जाएगा। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए आलोक कुमार वर्मा के साथ News24 की ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद की तहसील सुरौली गोसपुर क्षेत्र के कोटवा धाम की ग्राम प्रधान मिथिलेश तिवारी द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटाइज कराया गया। बताते चले कि देवतुल्य ग्राम वासियों से आग्रह किया गया कि कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। दिन में 5 बार साबुन से जरूर हाथ धुले और कोरोना से दूर रहें और कोरोना को हराएं। फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत उत्तर प्रदेश के लिए और तहसील सुरौली गोसपुर क्षेत्र के लिए ABN News24 की ब्यूरो रिपोर्ट।